हम इस तरीके से फ्लोर मैट बनाना सीखेंगे। ये इसके ऊपर मैंने पुराने जीन्स का कपड़ा यूज़ किया है इस तरीके से, और इसके नीचे मैंने जो पुरानी चादर होती है उसका मैंने बेस बनाया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है, और इसमें जीन्स एक जीन्स में से आप दो मैट आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इस मैट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से आपके पास कोई भी पुरानी जीन्स हो, छोटी हो, बड़ी हो, मेन फीमेल की हो, मेल की हो, जो भी हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से, देखिए ये मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स बनानी है। देखिए तो जीन्स में से मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं और यहाँ से साइड से इसके इस तरीके से रफल्स निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से स्ट्रिप्स बनानी है। स्ट्रिप्स कैसे बनानी है, ये देखिए जैसे जीन्स का ये पोर्शन है तो कहीं से भी आप लंबी, यहाँ से पहले मैं स्ट्रिप्स निकाल लूँगी, कुछ स्ट्रिप्स यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ बैक साइड से निकल जाएंगी, फिर यहाँ से निकलेंगी, फिर ऊपर से निकलेंगी। तो इस तरीके से आपको निकालनी है। स्ट्रिप्स की लंबाई आप उतनी रखिए जितना बड़ा आप मैट बनाना चाहते हैं, मैट की चौड़ाई रखना चाहते हैं। हमारा ये ऐसे विड्थ वाइज बनेगा, लेंथ वाइज आप जितनी मर्जी लगा लीजिए, विड्थ हमारी मैट की इतनी रहेगी जितनी हमने ये वाली स्ट्रिप ली है। तो ये स्ट्रिप मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 13 इंच। अगर आप बड़ा मैट बनाना चाहते हैं तो इसकी विड्थ आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, इसकी लेंथ। ये मैंने 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद इसमें से मैं अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच की स्ट्रिप कटिंग करूँगी, तो 1.5 इंच की मैं कटिंग करूँगी। इस तरीके से 1.5 इंच लंबाई में इस तरीके से, तो इस तरीके से इस लंबी स्ट्रिप को कटिंग कर ली। इसी तरीके से जीन्स में से, पूरी जीन्स में से आपको ये स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो मैं आपको एक स्ट्रिप बता रही हूँ, बाकी जीन्स में से इसी तरीके से स्ट्रिप कटिंग करके आपको बनाना है। ये देखिए ये मैंने स्ट्रिप कटिंग कर ली, जैसे मेरे पास ये है। अब साइड से इसके थोड़े थोड़े टसल्स निकाल दीजिए इस तरीके से। ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। ये एक तरफ से मैंने निकाल दिए, दूसरी तरफ से भी सेम। बस हल्के हल्के से साइड से निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से थोड़े से और निकाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने टसल्स निकाल दिए। इसी तरीके से टसल्स निकाल के इस तरीके से आप स्ट्रिप्स रेडी कर लीजिए, फिर हम उससे आगे मैट बना। देखिए इस तरीके से ये मैंने स्ट्रिप्स रेडी की हुई है। अब हमें आगे मैट कैसे बनाना है, सबसे पहले तो हमें बेस चाहिए। तो बेस के लिए इस तरीके से मेरे पास पुरानी चादर है, तो मैं पुरानी चादर में से बेस बना रही हूँ, थिक वाली चादर है। तो आप बेस के लिए चादर यूज़ कर सकते हैं, और आप बोरी यूज़ कर सकते हैं, जो जूट वाली बोरी होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चादर है तो आप चादर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चादर ली, इसकी विड्थ इन पट्टियों के बराबर रखी है मैंने। ये देखिए जितनी ये पट्टी की विड्थ मैंने ली थी, इस मैट की विड्थ उतनी ही रखी है।
और लंबाई में आप जितना लंबा रखना चाहें उतना अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो हमने स्ट्रिप कटिंग की है इस स्ट्रिप को कॉर्नर में रखिए, इस तरीके से रखा। अब एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए, दोनों तरफ इसके, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ पहले इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ और एक इस तरफ, और ये पट्टी अच्छे से मजबूत इसके साथ ज्वाइन हो गई इस तरीके से। तो एक स्ट्रिप लग गई, अब मैं एक और स्ट्रिप लूँगी, दूसरी स्ट्रिप लीजिए, इसके साथ रखना है बिल्कुल इस तरीके से आपको, इसके साथ साथ में ऐसे। अब इस पे भी एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो दूसरी स्ट्रिप रख ली, उसके बाद तीसरी लीजिए, थर्ड वन, इसी तरीके से रख के एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर, इसी तरीके से पूरी रो में लंबाई तक जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं ये सारी स्ट्रिप्स आपको एक एक करके लगानी है। तो अब हम ये दूसरी स्ट्रिप जोड़ते हैं, सेम इसके ऊपर रखी, एक सिलाई में यहाँ लगाऊंगी और एक सिलाई में यहाँ लगाऊंगी। ये देखिए मैंने दूसरी स्ट्रिप भी लगा ली, पास से दिखाती हूँ आपको, एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे, तो ये दो स्ट्रिप्स मेरी ज्वाइन हो गई। अब थर्ड स्ट्रिप लूँगी मैं, इस तरीके से यहाँ पे रखना है, और सेम जैसे इस पे सिलाई लगाई है, एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर, इसी तरीके से ये पूरा जितना मैंने लिया है लंबाई में इसी में सारा इसी स्ट्रिप से पूरा कवर कर लूँगी। तो यहाँ एंड तक इसे पूरा कवर कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से लंबाई में मैंने सारी स्ट्रिप्स जोड़ ली सिलाई लगा के, एक एक स्ट्रिप रख के जैसे बताया था पूरा इसे कंप्लीट कर लिया। अब ये जो साइडों से एक्स्ट्रा आ रहा है इसे प्रॉपरली इस तरफ से भी और इस तरफ से भी कट कर लीजिए, फिर हम इसे यहाँ से फिनिश करें। ये मैंने साइडों से प्रॉपरली कट कर लिया, तो इस तरीके से रेडी हो गया। अब साइड में या तो आप इसके पाइपिंग लगा सकते हैं, या सेम देखिए इसी तरीके से मैंने स्ट्रिप ली है, इसकी लंबाई मैंने पूरे मैट के बराबर लंबी रखी है। तो एक स्ट्रिप इस तरफ लगाऊंगी मैं, सेम उसी तरीके से एक सिलाई यहाँ लगानी है और एक सिलाई यहाँ लगानी है दोनों तरफ, और इसे अटैच करना है एक तरफ, एक साइड ये पट्टी और सेम उसी तरीके से एक और पट्टी है, ये वाली पट्टी इस तरफ यहाँ पे। तो एक पट्टी, दो सिलाई लगानी है आपको इसमें पैरलर, और दो सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। तो ये मेरा डोरमैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दो सिलाई लगा के ये लगा लीजिए और दो सिलाई ये लगा लीजिए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ पे भी साइड पे एक पट्टी इस तरफ जोड़ ली और एक पट्टी इस तरफ जोड़ ली। तो इस तरीके से मेरा मैट बिल्कुल रेडी हो गया है, रेडी टू यूज़ है। ये काफ़ी मजबूत बनता है क्योंकि हमने इसे सारा सिलाइयों से बनाया है, और ये इजीली वॉशेबल है, और इसके नीचे मैंने चादर का बेस लगाया है, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।